पिछले दिनों छात्रा मीनाक्षी के गुम होने की खबर स्थानीय थाना बीरपुर में मीनाक्षी के परिवार के द्वारा दिया गया। अगर बीरपुर थाना उस वक्त छानबीन करता तो निश्चित तौर पर मीनाक्षी की जान बच सकती थी, लेकिन बीरपुर थाना पुलिस की निष्क्रियता की वजह से मीनाक्षी की जान चली गई। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, इसी सवाल को लेकर आज हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने आया है। उपयुक्त बातें AISF का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बेगूसराय सदर DSP राजन सिन्हा को मिलने के बाद उनसे बातचीत करते हुए AISF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि देश भर में बलात्कार की घटना बढ़ गई है, बेगूसराय जिले में अपराधी का बोलबाला हो गया है, आम जनता खौफ के माहौल में जी रही है, बढ़ती अपराध पर अविलंब जिला प्रशासन अंकुश लगाए। जिला मंत्री किशोर कुमार एवं कोषाध्यक्ष अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि देश की छात्राएं महिलाएं वर्तमान समय में बिल्कुल असुरक्षित हैं। हम इस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि रेप जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ सरकार ऐसा कानून बनाए जिसे सोचकर भी इस तरह का कुकृत्य करने वाले व्यक्ति इस तरह की घटना करने के लिए 100 बार सोचे, तभी इस तरह की घटनाएँ रुक सकती है। प्रतिनिधि मंडल के दौरान छात्र नेता नितेश कुमार मोनू मोहम्मद गालिब मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल के दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजन सिन्हा ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो आप लोग यहां आए हैं किस काम से? हम लोग मीनाक्षी को न्याय दिलाने के सवाल पर जिला पुलिस उपाधीक्षक महोदय से मिले हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुपस्थिति में आज इनसे मुलाकात हुई है और सीधे तौर पर हम इस मांग को लेकर आए हैं कि बीरपुर थाना की लापरवाही के वजह से अगर ससमय बीरपुर थाना अगर कार्रवाई करती तो निश्चित तौर पर मीनाक्षी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन बीरपुर थाना की लापरवाही के वजह से मीनाक्षी की जान गई। हम पुलिस प्रशासन से अविलंब इस मांग के लिए आए हैं कि अविलंब उस अपराधी को गिरफ्तार करें, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की। इसी सवाल पर